अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, आज मंगल 19 मई 2020 है। आज के आपकी इस्लामियत की डायरी है तहारत और पाकीज़गी का तफसीली सवाल नंबर 3 आपने याद करके लिखना है, और तहारत और पाकीज़गी का तफसीली सवाल नंबर 2 आपने याद करना है। आपने हफ्ता और सोमवार आपने तहारत और पाकीज़गी के मुख्तसर सवाल याद किए थे, आज आपने इसके तफसीली सवाल याद करने हैं। तफसीली सवाल नंबर 2 है, सफाई और पाकीज़गी की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, वाज़ह करें, यह आपने याद करके लिखना है। और सवाल नंबर 3 आपका, पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियां आती हैं, ये आपने याद करना है। बुक पे इसके निशान मौजूद है। तहारत और पाकीज़गी क्या चीज़ है? तहारत, पाकीज़गी को अरबी जबान में तहारत कहते हैं। तहारत महज सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान और लिबास की और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। तहारत और पाकीज़गी को डिफ़ाइन करने के बाद आपको तहारत और पाकीज़गी का सवाल नंबर 2 इसका जवाब है। आपका पेज नंबर 42 से इसका आंसर शुरू होता है। अरशाद रब्बानी है, सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 4 का तर्जमा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखो। अल्लाह ताला ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करने वालों के बारे में फरमाया है। तर्जमा है, कुछ शक नहीं कि खुदा तोबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का बहुत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी तहारत का एहतमाम करने की ताकीद फरमाई है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तर्जमा है कि पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी और तहारत पर है। यहाँ से आपका तफसीली सवाल नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, और तफसीली सवाल नंबर 3 आपका, पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इसका जवाब आपका पेज नंबर 44 पे यहाँ से शुरू होते हैं। रिवाइज करवा रही हूँ कि इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की बड़ी अहमियत है। जो शख्स अपना बदन लिबास पाक साफ रखता है उसके ख्यालात और अकायद भी पाक साफ हो जाते हैं। पाक साफ इंसान अपने आप को बुरी आदत, मसलन गीबत, झूठ, फजूल खर्ची, हसद, कीना और बेहयाई वगैरह से बचाता है। इसे अमाल की तहारत कहते हैं। तहारत से इंसान पाक साफ और खुश व खुर्रम रहता है। इसकी सोच पाकीज़ा और अमल नेक होता है। इसकी इबादत मकबूल और दुआएं पूरी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तहारत कुर्बत इलाही की कुंजी है। ये आपका बहुत अहम क्वेश्चन है। आपने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें। अल्लाह हाफिज़।